Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique Khan Javed. Nazin, now it's time for international market. Nazin, Sardar Shaukat Sahab hamare saath maujood hain. Let's have a look at the international market. Aapko jaisa pata hai ki Korea, North Korea ne ek missile fire kiya jo ke Japan ke upar se guzar ke bahut dur gira hai. उससे काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गया पूरे दुनिया में और उसका इम्पैक्ट हर तरफ नज़र आ रहा है. लेकिन हम देख रहे हैं कि कल की यूएस मार्केट में तो इजाफा है. डाउ इंक्रीज बाय 56 पॉइंट यस्टरडे टू रीच 21,865 लेवल. एसपी में 2 का इजाफा है, 2,446 पे पहुँचा. ये नैसडेक में भी 18 पॉइंट का इजाफा है. कल ये सारे गिरी हुई थी 6,301. यूरोपियन मार्केट में कमी नज़र आ रही है. फुटसी 100 में 64 का लॉस, 7,337. डैक्स में 177 का लॉस है, 11,945. कैक में 47 का लॉस है, 5,031. और आईबैक्स में 10,192. स्टॉक से ये एशियन मार्केट्स में जापान के ऊपर से क्योंकि गुजर गया है मिसाइल, लेकिन यहाँ भी इजाफा है जनाब, 95 प्लस है, 19,458. हैंगसेंग 218 प्लस है. शंघाई अनचेंज्ड. सेंसेक्स 234 प्लस. सिंगापुर 14. प्रोफेसर साहब, ये जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है. इतने बड़े सुपर पावर और जापान जैसे इतने बड़े पावर साउथ कोरिया से इस तरह से टसल लेने का उसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद तो कुछ नहीं, मेरा ख्याल है वो जितना दुनिया ने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है ना, आपको पता है वेस्ट और अमेरिका ने ख़ास उनको आइसोलेशन टाइम टू टाइम, पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस किस्म के थ्रेट्स उनको देना शुरू किए, आई थिंक वो दे आर नॉट इन टर्म्स के वो बाउ डाउन हो और दे नो दैट आर सर्वाइवल इज इन टू कैरी ऑन विद आर डिफेंस एडवांसमेंट्स. वो कर रहे हैं एवरी डे, कोई ना कोई नया मिसाइल अनाउंस कर लेते हैं, कोई रॉकेट अनाउंस कर लेते हैं. आई थिंक दे नीड पोलिटिकल रेजोल्यूशन और इसका पर्टिकुलरली जो साउथ सी इशू है उस वो भी एक वजह है, क्योंकि आपको पता है अलाइनमेंट कोरिया की किसके साथ है और किसके साथ हो रही है. लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोरिया के इश्यूज़ जो हैं कोई मार्केट्स जो हैं या कमोडिटीज़ पे कोई इतना इम्पैक्ट देते हैं. जैसे अभी भी आपने सब एक्सचेंज का वो कोई खास नेगेटिव नहीं आया, ऐसा नहीं है. इवन जापान का नहीं आया जिसके ऊपर से गुजर गया. बिल्कुल. मगर सर उसका रेंज देख के मैं हैरान हुआ हूँ कि 550 इसके हाइट से गुजरा है, 2700 किलोमीटर्स जी अवे. इतना रेंज है उसका. कॉन्टिनेंटल मिसाइल तो इसी लेवल के हैं और मेरा ख्याल है उनकी पहले दुनिया ये कहती थी कि वो श्योर नहीं है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती थी दे वर नॉट श्योर, बट Now they understand. Now they with this firing, they have proven that 2,700 to ja hi sakta. They have proven before also, but unfortunately, mera khayal hai jo against superpowers hain, wo serious diplomatic approach nahi karte. Serious diplomatic se jo settlement ke liye, they do not approach in that way. आपका कहना ये है कि वो क्योंकि उसको isolation में रखा हुआ है, वो चाह रहा है कि उसको आइसोलेशन से निकाला जाए, यही उसका मकसद है? निकाला जाए. उन पर बहुत इकोनॉमिक इश्यूज हैं कोरिया में, कोई सैंक्शंस बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं, डेफिनेटली दे हैव नो अदर ऑप्शंस. तो सीक अटेंशन. एक ज़माने में ईरान पे स्वेयर सैंक्शंस थी, लेकिन ईरान को जिस तरीके से आइसोलेशन में रखा, लेकिन ईरान की जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है, उनके पास रिसोर्स ऐसे हैं कि दे हैड अ गुड सर्वाइवल. दे सर्वाइव अमेरिकन सैंक्शन को सर्वाइव करना, जब बैंकिंग सिस्टम से आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं, इट्स नॉट ए जोक. इट्स रियली सल्यूट टू देयर रिजिलियंस. तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी किसी तरह सर्वाइव तो करा, लेकिन पॉवर्टी वगैरह वहाँ बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा है, बहुत सा. दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट.
फिर नॉर्थ और साउथ का जो अपने अभी तक वो क्लाउड्स क्लियर नहीं है उसमें। अच्छा, लोग कहते हैं हिस्ट्री भी बड़ा प्ले करती है इसमें रोल, कि आपको पता ही है कि जापान ने बड़ा जुल्म किया इस इलाके में, चाइना पे भी, कोरिया पे भी, वो एक पुरानी यादें हैं। दूसरे, जब ये 1954 वाले जंग हुई, उसमें अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को दे बम्बार्डेड टू द मैक्सिमम, सो नॉर्थ कोरियंस अ वेरी वेरी बिटर मेमोरी ऑफ साउथ कोरिया एंड यूएस। बिल्कुल है, सब जगह हुआ, जापान में नहीं हुआ क्या, जर्मनी में ये चीज़ें नहीं हुई, सब जगह हुई, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो गई, वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ चले गए। और फिर एक्चुअली उनको खुद पहले जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, दे हैव टू देमसेल्फ टेक सम इनिशिएटिव, ताकि जो वर्ल्ड है उसकी ओपिनियन उनके बारे में चेंज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एवरी टाइम वो ये कोई चीज़ होती है वो उससे बढ़ के थ्रेट उनको देते हैं। और ये आदमी जो है डोनाल्ड ट्रंप, उससे वाकई डर लगने लगा है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, किसी दिन ट्विटर पे लिख देगा, आई हियर बाय डिक्लेयर वॉर ऑन नॉर्थ कोरिया एंड आई हैव सेंट 20 मिसाइल्स ओवर इट। नहीं, वो कर सकता है भाई, उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन धमकी देता रहता है। इट्स नॉट दैट ईजी, चाहे नॉर्थ कोरिया को आप देखें कि वो डिफेंस अपने उसके अंदर चल रहे हैं एडवांसमेंट में, बट स्टिल उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे अलाइज होंगे, अनडिक्लेयर्ड अलाइज होंगे, जो डेफिनेटली सबको पता है चाइना सस्टेन करता है, इतना आइसोलेट नहीं करेंगे उसको। पीछे ऐसा चाइना है ना उसके, उसी से तो वो चल रहा है, डिक्लेयर करे ना करे। लेकिन सियोल जाने का इतफाक हुआ था, तो जो सिचुएशन मैंने वहाँ देखी थी, मैं अपने आप को बड़ा बहादुर समझता हूँ, कराची का आदमी हूँ, लियारी वारी हर जगह घूमता रहता हूँ, लेकिन कोरिया जाके मैं डर गया था। क्योंकि वो जो उनकी जो डीमिलिटराइज जोन है, जो जंग रुकी थी, 54 पैरेलल कहलाता है, वो इज रियली स्केरी प्लेस, बिकॉज दूसरे साइड पे नॉर्थ कोरिया है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और वहाँ उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं, और वो उस पर गाली वाली देते रहते हैं। और सियोल जो है, जो कैपिटल है, वो ठीक उसके नीचे ही है, पहाड़ों के नीचे है, तो यू आर एट द मर्सी ऑफ दोज पीपल एनी टाइम। लेकिन सियोल को तो दो घंटे में ना बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। वंस आई वाज़ सिटिंग इन अ बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, सायरन बज गया, उन्होंने लिटरली मुझे हाथ से पकड़ा और खींचते हुए लेके लिफ्ट की तरफ चले गए और कहने लगे चलो, सब भागे और ले जाके एक ट्रेंच में हमें बैठा दिया। सायरन बज गया, वो ड्रिल होता रहता है वहाँ हर वक्त, इफ दे स्टार्ट बॉम्बिंग यू हैव टू गो एंड सिट इन दैट, दिस इज स्केरी प्लेस ऑलरेडी। अल्लाह करे ये नॉर्थ साउथ का कोई हो जाए सिलसिला आपस में, इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट है वो हमारे ऊपर भी आ गई है, इसके बारे में आपकी क्या व्यू है? आई थिंक वी डिप्लोमेटिकली ये पहली दफ़ा थ्रेट नहीं है, डू मोर तो कहते ही रहते थे। हम जब अफगानिस्तान का इशू था, जब रशियंस वर देयर एंड वी वर द मोस्ट फेवरेट नेशन, फ्रंट लाइन स्टेट आल्सो, लेकिन उसके बाद वक्तन फवक्तन जैसे भी मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म आया, तो ये थ्रेट्स हमें आते रहे पहले भी, ये नया थ्रेट नहीं है। लेकिन इस आदमी से डर लगता है ना, ये ब्लंट है ना, बिल्कुल खुल के बोलता है, नहीं खुल के बोल कर भी सकता है। देखिए, डिप्लोमेटिकली इफ प्रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री सेज, यू हैव टू सी, अमेरिका में इस किस्म के डिसीजंस, सर इसके अंदर डिप्लोमेसी तो नहीं है, यही तो मसला है। डिप्लोमेसी ना हो, लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो हैं, देखिए उधर की सेनेट और कांग्रेस कोई इतनी आसानी से कोई काम करने नहीं देती, वहाँ पे उनकी कमेटीज़ हैं जो बड़ी इम्पावर्ड हैं, जैसे फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, दे कैन वीटो अनडू प्रेजिडेंट्स मैनी ऑफ द डिसीजन एंड दे डू दैट। ये तो आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट विद हिज होम वीकनेसेस, बिकॉज ही इज़ नॉट येट पोलिटिकली सो पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग कि मैं कोई ऐसे बयान देते रहूँ, ऐसी चीज़ें मैं करता रहूँ कि जहाँ पे लोग जो हैं उनके मैं बड़ा पॉपुलर सेंटीमेंट, फिर इंटरनेशनली नेचुरली पाकिस्तान पे प्रेशर डालना, आप इंडिया को खुश करेंगे, इंडिया को खुश नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको खुश करेंगे, लेकिन हम लोग पाकिस्तान
हम लोग इन सब चीज़ों से प्रूफ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतने प्रेशर ले लिए हैं कि ये डजंट मैटर। इसका मार्केट पे बड़ा हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। हम मार्केट पे इसलिए आएगा कि आपके यही तो फिक्रमंदी की बात होती है कि इन जगहों पे आपको पता चल जाता है कि DFI डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वही फिक्रमंद करेगी कि यार मुझे अपने यहाँ से तकरीबन 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो गया था और अब उसमें से मेरे ख्याल में 500-600 मिलियन डॉलर तो निकल चुके हैं पिछले 6-8-10 महीने में, जो भी हालात रहे। फ्रंटियर मार्केट से हम निकल गए और हम चले गए प्रेस्टिजियस इमर्जिंग मार्केट में। इमर्जिंग मार्केट से एक पैसा नहीं आया, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया, पुराना सारा निकल गया। अच्छा भाई, एक और भी चीज़ है कि मैं बहुत दफ़ा गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर से या उनसे इंटरेक्शन होता है, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ क्या ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का इमेज जो है इसको ठीक रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हर मामले में इतनी स्लो होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं एक गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करता हूँ। सी द एग्जांपल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, नो एवरी ले मैन, एवरी स्ट्रीट मैन, इवन कॉमन पर्सन लाइक मी, ही वॉज वरिड के यार डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कह दिया, ये क्या ड्रोन अटैक्स करेगा या क्या, एवरी वन। बट गवर्नमेंट वॉज स्लो इन मेकिंग डिसीजन कि उसको रिस्पॉन्ड क्या करना। एक उन्होंने ये किया कि सस्पेंड कर दिया बात, पाकिस्तान का लीडिंग प्राइवेट, इनको पता ही नहीं कि बोलना क्या है, तो चलो बात ही बंद ही करो। अब एक माजर के साथ, पाकिस्तान का लीडिंग बैंक प्राइवेट बैंक है अभी बैंक, उसका इशू बना, कितने अरसे से बन रहा था, तो नया तो नहीं आया कि उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाई और 600+ मिलियन डॉलर कोई छोटी अमाउंट नहीं है। वाई एम्बेसी डिड नॉट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट की जी ये होने लगा है, क्योंकि इसके पीछे तो नेशनल फ्लैग है। HBL अबीब बैंक कोई इंडिया या उसका ब्रिटेन का तो नहीं है, पाकिस्तान का है, तो इसके खिलाफ कोई चीज होगी, बदनामी पाकिस्तान की होगी। व्हाई डिड दे डिले इट? मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम बहुत सीरियस है। व्हाई डिड दे डिले इट? अभी बैंक जो है वो ये क्लैरिफाई कर रहा है कि जी हमने अपनी चीज़ों को बड़ा एड्रेस किया, पता नहीं अमेरिकन रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्यों नहीं खुश होती। भाई आप खुश करने के लिए बैठे हैं, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स पे चलने के लिए बैठे। दीज काइंड ऑफ थिंग विच आर अनअटेंडेड, दिस इज अ नेशनल क्राइम आई एम टेलिंग यू। इधर यू पुट ऑन द शोल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट और यू पुट शोल्डर्स ऑफ प्राइवेट। ये जो इशू आप बता रहे हैं इसकी वजह से तो कम से कम 300-400 पॉइंट तो सिर्फ इस वजह से घट गए। सिर्फ एक अभी प्रेसिडेंट उनके बैठे होंगे बोर्ड, अभी आई सॉ इन वन ऑफ द पेपर्स दैट देयर ओनर, आई डोंट वांट टू मेंशन हिम, ही वेंट टू वॉशिंगटन DC इवन। वो अपनी पोलिटिकल कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन किस्म के केसेस में, जैसे BCCI के साथ जो हुआ, इन केसेस में उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमारी तरह के जी कॉलें करें और आपकी बातें मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एज अ नेशन, एज अ कंट्री, आई थिंक इट्स क्रिमिनल एक्ट ऑन द पीपल हु हैव डिलेड इट एंड हु हैव नॉट अनाउंस्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द कंट्री पाकिस्तान। हर अखबार लिख रहा है दुनिया का, आप कोई भी दुनिया का लीडिंग पेपर ले कि जी पाकिस्तानी बैंक ने ये कर दिया और उन्होंने ये जुर्माना लगा दिया इस पर। हालांकि मैं खुद बैंकर रहा हूँ साहब, 25 साल बाहर काम करता रहा हूँ, बैंगलोर के भी, नेमरो, हांगकांग, शंघाई। अंदर की बात तो ये है कि कौन सा वेस्टर्न बैंक डिपॉजिट लेने के चक्कर में क्या क्या नहीं करता मुझे पता है। व्हेन आई वाज अ बैंकर नोबडी टोल्ड मी कि इट वाज अनइथिकल टू टेक अवे द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड पुट इट इन डिपॉजिट्स ऑफ कीनिया पाकिस्तान। ये आमतौर से लोगों को नहीं पता कि जैसे आपकी एक्सपोर्ट की फिगर आती है ना, ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल ही फॉल्स फिगर है। कीनिया के जो एक्सपोर्ट का फिगर है फॉल्स फिगर है। क्यों, कैसे होता है? सबसे बड़ा ट्रांसफर ऑफ फंड कैसे होता है, इसको अकोमोडेशन LCs। 100 मिलियन की LC, 100 मिलियन का चाय जाना है UK, 50 मिलियन का चाय जाना है पाकिस्तान। LC जो आएगी कीनिया में वो आएगी 100 के बजाय 50 की, माल जाएगा 100 का, और जो उधर दूसरी पार्टी बैठी वो भी रिश्तेदारी है, दोस्त है LC खोलने वाला और रिसीव करना,
तो 100 मिलियन की चाय पहुंच गई यूके और ऑफिशियली 50 मिलियन ट्रांसफ़र हुआ कीनिया, 50 मिलियन वहीं रह गया भाई के पास, भाई ने जिस अकाउंट में अपने कार्ड ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है, आपको लगता होगा कभी कभी अगर गौर करेंगे ना आप तो कहेंगे यार ये तो धागे की कीमत पे भी ये कपड़ा जा रहा है, धागे से भी सस्ता है, रुई के बराबर जा रहा है। वजह यही होती है कि असल कीमत जो होती है वो कुछ और होती है, और LC दिखाया जा रहा था बहुत कम रेट पे, और इस तरह से बड़े बड़े ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। तो इसमें तमाम इंटरनेशनल बैंक्स इन्वॉल्व, बिगेस्ट बैंक्स, लेकिन उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, और BCCI को पकड़ लिया जाता है, अब अभी बैंक को पकड़ लिया। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से फुली एग्री करता हूँ। मतलब कोई भी दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है या फाइनेंशियल मार्केट नहीं जहाँ माल प्रैक्टिसेस नहीं होती। आई फुली एग्री विद यू, बट माय हम्बल समिशन इज के चले रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा दी, आपसे गलती हो गई, लेकिन ऑपरेशन बंद कर देना, दैट इज वेरी सीरियस। हाँ, तो वो क्या गवर्नमेंट रेगुलर, ये गवर्नमेंट ने क्या अभी बैंक को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया हुआ, या ये बैंक का कैपिटल अमेरिका से आया यहाँ पे? ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस, पुट देम ऑन टास्क। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को गवर्नर से पूछना चाहिए कि आपकी जो सर्वेलेंस डिपार्टमेंट है उसने क्या सर्वेलेंस किया। Why did they check? On one reason, अल्लाह ना करे बैंक बंद होता है, doesn't matter, दुनिया में बैंक बंद होते हैं और इश्यूज होते हैं, लेकिन जहाँ नेशनल फ्लैग का मसला आए कि हर जगह पाकिस्तान की बदनामी हो, वो फिक्रमंद बात है। कोई भी सीरियस गवर्नमेंट मिनिस्टर या किसी भी कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी की तरफ से कोई जिक्र ही नहीं आया इस सिलसिले में, इसलिए कि लॉबीज हैं ना। देखिए तो ब्रू चिप हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी लॉबी है, कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर उनकी पॉकेट में होगा, वो तो जरूरत नहीं करेगा कि इनके। अच्छा, सिर्फ स्टेट बैंक ने इतना किया कि जी ठीक है ये लॉस अगर होगा तो इसको हम स्प्रेड आउट कर देंगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क ब्रांच 1% ऑफ प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता था, उसके लिए इतना बड़ा लॉस लेने के लिए तो उसको बहुत सारे साल चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो अब वो बंद ही हो गया, वहाँ से तो अब वो 1% भी नहीं आएगा। तो इनके जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ये प्रोविजन करेंगे स्लोली, ये कंसेशन उन्होंने दे दिया स्टेट बैंक ने, लेकिन ये नहीं पूछा कि ये हुआ क्यों, एंड ये किसी ने नहीं पूछा कि आपकी ऑडिट डिपार्टमेंट जो जाती थी न्यूयॉर्क घूमने फिरने के लिए, उसने क्या देखा, क्यों नहीं उसने पकड़ा? आप ही पकड़ लेते तो बाहर वाले को पकड़ने की जरूरत नहीं होती ना, आपके इंटरनल सही होता। तारिक भाई, इधर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहना भी ठीक नहीं है, और वो लेकिन है, उसको आप तस्लीम करें। अनयूजुअल चीज़ भी हो रही है कि आप का एक प्रोविंशियल बैंक इतना फिर दी रिच शो कर रहा है कि वो प्राइवेट बैंक को स्वैप कर रहा है, ख़रीद रहा है, मेरा ख्याल है दे विल टेक ओवर। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और स्टेट बैंक जैसा इदारा अलाउ कर रहा है कि आप करें। सर, इस पर याद आया कि बलूचिस्तान बैंक का भी जिक्र आया, बलूचिस्तान इज द ओनली प्रोविंस विच डजंट हैव ए बैंक, लाइक खैबर बैंक है, सिंध बैंक है, बलूचिस्तान बैंक कोई नहीं, एक बुलान बैंक खुला था, बुलान बैंक का शेयर मैंने खरीदा था, और आपको उसकी हिस्ट्री में बताऊँ कि उनके ओनर और प्रेजिडेंट्स को मैं ज़ाती तौर पर जानता था, उन्होंने बराए नाम स्टेट बैंक से परमिशन ली और बुलान बैंक का हेडक्वार्टर क्वेटा में बनाया, और क्वेटा में भी काम बनाया जो हन्ना लेक है, सबर्ब्स ऑफ क्वेटा, यानी ऑफिस में हार्डली 2-3 पीपल यूज्ड टू वर्क बट दे हैव यूज्ड टू हैव हेडक्वार्टर। वो तो बंद हो गया, हमारे 10 रुपए डूब गए उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत कुछ सीखने को मिला। सरदार प्रबोज साहब से जब भी बात करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ख़ास तौर से आज मैंने प्रोब किया ए और बी एरियाज को, काफ़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड आई है, आप लोगों को भी सुन के पता चला होगा। नाज़रीन, नाउ इट्स टाइम टू लुक एट द कमोडिटीज़ मार्केट। नाज़रीन, कल परसों की जो तूफ़ान आया ह्यूस्टन का, उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि ऑयल प्राइसेस में कुछ स्पाइक आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ऑयल प्राइसेस जो है कल भी 0.15 गिर गई, अब 46.29 पे खड़ी है। नेचुरल गैस अनचेंज रहा, 2.96 पे है,
गोल्ड जो है उसमें भी कमी आ गई। हालांकि कोरिया का इतना बड़ा मसला अभी हमने सरदार साहब से डिस्कस किया, उसके मुताबिक तो इसको बहुत ऊपर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। 1318 सिल्वर में थोड़ा सा इजाफा है, ना होने के बराबर $17 का है। ये वीट में 2.5 का इजाफा 432, और कॉपर में थोड़ा सा इजाफा है 3087 का। तो ये है कमोडिटी मार्केट आज की। हम देखते हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, नेचुरल इवेंट्स वगैरह या इवन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक कोरिया का कोई ख़ास इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पे नहीं आ रहा। इसका मतलब दुनिया इसको इतना सीरियसली नहीं ले रही है। सरदार पवन जरी साहब ने भी यही कहा कि बेसिकली कोरिया इज़ ट्राइंग टू गेट अटेंशन एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, कि इतनी बड़ी आइसोलेशन है, इतनी बड़ी सैंक्शंस हैं, पॉवर्टी है, तो वो चाह रहे हैं कि यार हमें कुछ करो, नहीं तो हम आपको हिलाते हैं। वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके सैंक्शंस वगैरह को ख़त्म कर दिया जाए, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, नॉर्थ साउथ कोरिया को यूनाइट करने की बात की जाए, तो मामलात ख़त्म हो सकते हैं। अमेरिका वैसे भी बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूब के अब दुनिया से निकलना चाह रहा है। 21 ट्रिलियन का डेट हो गया है, जो वो बड़ा खुश होगा अगर उसको अपनी आर्मी कोरिया से हटाने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान के सिलसिले में भी जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे फाइनेंशियल जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि दे डोंट वांट टू कैरी ऑन द बर्डन ऑफ कोलिजन सपोर्ट फंड, दे इवन डोंट वांट टू पे द ऑलरेडी इनवॉइस 2.5 बिलियन, और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट बचाने की उसकी सारी कोशिश है। अफगानिस्तान में भी वो शुरू में थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके वहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढेगा। तो ये हो तो अच्छा है दुनिया के लिए कि अमेरिका ना अफगानिस्तान में हो, ना पाकिस्तान में हो, ना कोरिया में हो, ना जापान में हो, और अपनी मईशत को संभाले, जो कि बड़ा मुश्किल है गिवन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसी के साथ इस सेक्शन से जाना चाहता हूँ।